क्या फिर से रिजेक्शन आ गई? अरे क्यों बार बार इस ई नेट में रिजेक्शन आ रही है? वरुण जी क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या हो खन्ना जी, क्यों परेशान हो? अरे गुप्ता जी, एक LIC की पॉलिसी कराई थी, उसमें अपना बैंक चेंज कराया था। अब उसका ECS होना था, उसके लिए ई नेट होता है, वो करवाना था, उसमें बार बार रिजेक्शन आई जा रही है। पता नहीं क्या चक्कर है। अरे कोई बात नहीं खन्ना जी, आज आपको इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ये ऑनलाइन ई नैश होता है, आज आपको और अपने व्यूअर्स को वही बताते हैं। चलिए फिर बताइए आज। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू टू आवर आवर चैनल। चैनल। ये है गुप्ता जी। और ये है खन्ना जी। गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके पास LIC की पॉलिसी है तो उसमें आप ई नैश के थ्रू अपना बैंक कैसे चेंज कर सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप ये सारा काम कर सकते हैं। खन्ना जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है? ऑनलाइन बैंकिंग है, डेबिट कार्ड? डेबिट कार्ड भी है। बिल्कुल सही है। गाइस, इसमें से हमारे पास एक चीज होनी चाहिए, या तो ऑनलाइन बैंकिंग या डेबिट कार्ड। दूसरी चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगनी हो उससे कम से कम 16 दिन पहले आप ये प्रोसेस करें, ठीक है। तीसरा इसमें ध्यान रखना है कि अगर जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट लगनी है वो विद टैक्सेस 10 लाख से ज्यादा ना हो तो आप ये अपनी ऑनलाइन ई नैश कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आइए, आपको ये ब्राउजर बेस पर एक वेबसाइट खोलनी है, LICIndia.in। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये किसी मोबाइल ऐप पे नहीं होगी। LIC इंडिया की जो मोबाइल ऐप है उस पर ये चेंज नहीं होगा, ये आपको ब्राउजर बेस पे ही जाना पड़ेगा। तो सबसे आप पहले आप ओपन कीजिए LICIndia.in। ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई है, इसमें आप नीचे आ जाइए। इसमें ये ऑप्शन है अदर ऑनलाइन सर्विसेज, इसमें एक ऑप्शन है ऑनलाइन ई नैश, इसे आप क्लिक कीजिए। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि 10 लाख से ज़्यादा ना हो, 16 दिन हो कम से कम, और आप जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट है अभी तक पेड हो, ये आपका खुल जाएगा। इसमें आपको अपना पॉलिसी नंबर डालना है, आपको अपना इंस्टॉलमेंट डालनी है, लेकिन विदाउट टैक्स ही इसमें आप एंटर कीजिएगा। फिर आपको इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ये एक कैप्चा आएगा, कैप्चा आपको डालना है और वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इसमें फिर से वही चीजें आ गई कि आपको 16 दिन होने चाहिए, 10 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इस पर आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। इसमें आपकी डिटेल आ जाएगी, पॉलिसी नंबर, आपका नाम, आपका ब्रांच ऑफिस, डिवीजन ऑफिस। इसमें आपको डिटेल्स एंटर करनी है, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना बैंक का IFSC कोड, जिस बैंक से भी आप अपनी इंस्टॉलमेंट चालू करवाना चाहते हो। अगर आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है तो सेविंग पे क्लिक कीजिए, करंट अकाउंट है तो करंट पे क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको नाम डालना है, जो भी आपका बैंक में नाम हो, अगर करंट अकाउंट है तो उसका नाम कुछ और हो सकता है तो वो आप डालीजिएगा। फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट नंबर आपको री एंटर करना है दोबारा, और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। ये OTP आपको LIC की तरफ से आएगा, इसे आप एंटर कीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। ये आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, पॉलिसी नंबर, कितना आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, आपके सारी डिटेल्स आ जाएगी, अकाउंट नंबर। इसमें फिर से आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है, ये एक तरह से चेक हो रहा है आपका बैंक अकाउंट नंबर, जो भी आपने डाला वो डिटेल्स करेक्ट है या नहीं है। दोबारा से आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, फिर आपको IFSC कोड डालना है, और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जिससे भी आप करना चाहें उस पर क्लिक करके आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। इसमें डिटेल आ जाएंगी, इसमें अमाउंट देखिए जो 319 आ रहा है, मैंने फर्स्ट में फिलअप किया था 255, इसमें आ रहा है 319। ये असल में मैक्सिमम अमाउंट लेते हैं कि टैक्स लगकर कितना ऊपर हो सकता है, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है, यहाँ कंटिन्यू करना है। गाइस ध्यान रखिएगा, ये सारा प्रोसेस आप 10 मिनट के अंदर कर लीजिएगा ताकि कोई इशू ना आए। ये फिर आपको आपके बैंक की साइट पर ले जाएगा, उसमें आप जो भी यूज़र नेम है वो डालिए,
अपना पासवर्ड डालिए, आई एक्सेप्ट कीजिए और कंफर्म कर दीजिए। इसमें आप OTP डाल दीजिए, ये दोनों चेकबॉक्स पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और अप्रूव कर दीजिए। ये ट्रांजैक्शन स्टेटस दिखाएगा आपको और ये अपने आप ही नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा आपको। ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया, इस पर आप क्लिक कीजिए और ये सक्सेस हो गया। अब जो भी आपकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो डायरेक्ट आपके बैंक से जाना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं गाइज ये कितना इजी प्रोसेस था। खन्ना जी अब तो आप भी आराम से ये कर लेंगे। बिल्कुल गुप्ता जी, ये तो आपने बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दिया है। इसके लिए इतना परेशान हो रहा था कि कोई उसका हिसाब ही नहीं। बिल्कुल अब आपकी परेशानी ये खत्म हो जाएगी। बिल्कुल होनी भी चाहिए गुप्ता जी। बिल्कुल होप करते हैं गाइज आपकी भी ये परेशानी अब दूर हो जाए, आगे से आपको ये प्रॉब्लम ना आए और LIC का ENAZ करवाने के लिए आपको कहीं धक्के ना खाने पड़े। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हमारा पसंद आएगा। तो और भी जानकारी के लिए हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ओके बाय।